Assalamu alaikum, once again I'm back, and of course we're here talking about the 100 million meals, and I'm here to connect with Imran Abbas, and hum dekhte hain ki ji Imran kahan pe hai. Let's try Imran, I'm waiting for you to connect, and is this Imran? No. Okay, where's Imran? Imran se meri bhi baat hai, Imran ne bola ki main request send kar raha hu. Imran Abbas. Yes, this is Imran Abbas. Send request. I've sent request to Imran Abbas for live session, and I can't see if I'm getting any requests. But guys, aap sab jante hain ki ye hame campaign kar rahe hain 100 मिलियन मील्स के, और मैं अपने तमाम सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो दोस्ती में हमारी दोस्ती में इधर आए हैं, जो मुझसे बात करेंगे, और मेरी सनम से बात हुई, मेरी इजाजतम से बात हुई, मेरी सरबत से भी बात हुई, अब इमरान से भी फोन पे बात हुई थी कि दैट ही वांट्स टू कम लाइव, ऑफ कोर्स ही इज देयर, एंड आई एम जस्ट वेटिंग. किधर है इमरान? कम ऑन इमरान, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू इमरान अब्बास. And I'm thankful to all of them. And tomorrow also, the day after, I'll be talking to a few others. So let's see how it goes. मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो 100 million meals हैं, हम उसकी बात करें. हम ये एक कैंपेन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के लिए तो है कैंपेन, एज इन पाकिस्तान में तो हो रही है. But the point is that yes, I am looking for Imran Abbas. मैं चाह रहा हूँ, एक ये request तो मुझे I think आई है. I'm sending you request, Imran. Please, I got your request. I'm sending you request again. I can't see if you're there, if you're connected. Well, I'm just trying. Let me try again. Where is Imran? Okay. Imran is not live yet. And Imran, where are you? Hello. इमरान से मेरी भी बात हुई थी, और इमरान ने बोला कि वो लाइव आ रहा है, सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. अच्छा जनाब, ये कैंपेन जो है, आपको ये बता दूं कि 100 मिलियन मील्स, यानी हमारे जो मील्स, खाने जो होते हैं, लोगों को खाने प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये 20 और मुख्तलिफ ममालिक से ज़्यादा ये काम इंशाल्लाह हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि सब लोग मिलके उस दिन कोई भूखा नहीं हो, एंड वी वांट टू फीड देम, एंड दीज मील्स ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग. ये जी इमरान अब्बास ऑफिशियल इज अनएबल टू जॉइन, इट सेज ही इज अनएबल टू जॉइन, आई एम स्टिल वेटिंग, वेयर इज वी कैन ट्राई अगेन. कम ऑन इमरान, वेयर आर यू? Okay, now we have to wait. अच्छा, अगर आप लोग मुझे ये भी बताएं कि ये कैंपेन कैसी है. Here it is. Here he is. I mean, I am unable to join. Wow, Imran, Mr. Imran, how are you doing? I'm good. क्या हाल है? कैसा है यार? बिल्कुल ठीक. एक तो इमरान, thank you so much यार, you've joined in, and you know my celebrity friends, मैं इतना regard है इमरान for you, and you know you're my special bro, you know that. और थैंक यू वेरी मच. आई नो एवरीवन इज ऑक्यूपाइड, एवरीवन इज बिजी, लेकिन इस रमजान के इस महीने में अगर हम कोई नेकी कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए या किसी के लिए, तो कितनी है बड़ा काम है यार. अच्छा मुझे बताओ इमरान, मैं पहले तो पूछ रहा हूँ, रमजान कैसा गुजर रहा है? हाउ इज कैसा चल रहा है? यार रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है. सबसे अच्छी बात यह कि मैं इस्लामाबाद में गुजार रहा हूँ बहुत अरसे बाद, तो मुझे अपनी वालदा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, वरना हर रमज़ान में शहर से बाहर ही होता हूँ, कभी भी ट्रांसमिशन या कुछ. इस दफ़ा भी जो मेरी ट्रांसमिशन चल रही है, दैट इज़ अ रिकॉर्डेड वन, जो मैंने इस्तांबुल से कराई थी, बट आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम विद माय फैमिली. मस्ट बी इंटरेस्टिंग यार, बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं तकरीबन यू ऑल्सो डू अ ग्रेट रमजान ट्रांसमिशन, और बहुत सालों से कर रहे हो, और मैं भी तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 इयर्स नाउ दैट आई एम डूइंग दिस ट्रांसमिशन, और मुझे घर पे होने का मौका नहीं मिलता, तो यू मस्ट बी विद योर मदर, तो बड़ी अच्छी मजे की फीलिंग होगी. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. अच्छा इमरान, ये जो रमजान में हम लोग स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, हम चाहते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बेहतर हो जाएं,
और एक कनेक्शन बन जाए, हम अच्छे काम करें। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस महीने में किस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने खुदा से? यार सबसे पहले ऐसा मुझे तो लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू हैव एन यू नो इंट्रोस्पेक्शन, अपने अपने अंदर झांकने का आपको वक्त मिलता है. एंड रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आप खालिसतन अल्लाह के लिए करते हैं, इसमें आप कोई रियाकारी नहीं कर सकते. बाज़ लोग दिखावे के लिए कोई भी इबादत करते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो खास अल्लाह और बंदे के दरमियान की एक चीज़ है, जिसको आप किसी और के लिए नहीं कर रहे होते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. बिल्कुल और फिर ये जो एक एक एक्सरसाइज है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप खाने से रुक जाएं या आप ऐसी नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाएं, बल्कि अपनी चीजों को अपनी चीजों को बांटने का जो एक अमल है. या मैं कभी भी अपनी चीज इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ कुछ भी आपका अपना नहीं होता, बेसिकली ये भी आपकी तरफ अल्लाह की देन होती है. तो दिए हुए को आगे देना, इसका जो ये जो प्रैक्टिस है, ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इस रमजान का मेरा ख्याल है एक एसेंस है, इस महीने की असल रूह है. बिल्कुल और सही, बिल्कुल इस सही। तरह आप जो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी इसमें आप शरीक हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को खाना खिलाने वाली बात. मैं अक्सर देखता हूँ ऐसा कि ये जो एक इफ्तार पार्टीज का जो ट्रेंड चला है, या हम इतना इसराफ कर रहे होते हैं इसके ऊपर और इतना दिखावा कर रहे होते हैं, इसमें कितना ऐसा हो सकता है कि हम अपने अपने खाने की जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा कर्टेल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें. आपको इतना नहीं चाहिए होता जितना आप रोजा जो है, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं, सॉरी मैं बोले चला जा रहा हूँ, नहीं नहीं लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज बोलो। रोजा ये नहीं है कि आप कुछ घंटों के लिए रुक जाएं और उसके बाद जब आप शुरू करें तो ऐसे होके में वो सारा का सारा, ये जो एक फिजिकल यानी एक्सरसाइज क्रेजी भी, हो जाना आपकी टेबल पे, हर चीज क्रेजी ही नहीं हो पड़ जाए। जाएगा. रोजे का मतलब यही है कि आप जितनी देर आप रुके हैं उसके बाद आप म्याने रवी के साथ इसका अपना इफ्तार करें. नबी पाक तो बहुत ही, आप अगर सुन्नत आप देख लीजिए तो कितनी वो एक खजूर से रोजे का इफ्तार करते थे, या गर्म पानी या नमक से करते थे. तो इसकी जो जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो भी यही है कि आप जब वापस जब इफ्तार करें तो कम से शुरू करें, इसलिए कि वरना फिर सारा सब कुछ जाया हो गया. हम तो यहाँ इतना कुछ खा बिल्कुल लेते सही, हैं जो हमारे बिल्कुल बाकी दिन की भी कसर पूरी कर देता है. कसर तो पूरी, बिल्कुल सही है। बेहतर ये है कि आप कम 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 चीजें अपने इस्तेमाल में रखिए और जो आपके पास और ज्यादा दूसरों के है. लिए, दूसरों को प्रोवाइड करें, बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, एक मौका ये भी है दैट यू कनेक्ट विद योर गॉड, राइट? आपका सबका अपना अपना एक ताल्लुक है अपने रब से, और हर कोई उसकी कोशिश होती है कि वो कोई ऐसे काम करे कि कनेक्शन बन जाए। लोगों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने से आपको लगता है कि एक कनेक्शन बनता है अल्लाह से? ऐसा बेसिकली अल्लाह से कनेक्शन जो है ना, वो ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन आपका उसी वक्त मुमकिन है जब आप उसके बंदों से मोहब्बत करते हुए जाएं. ये जो True. कॉन्सेप्ट है ना कि आप दुनिया छोड़ के अल्लाह की तरफ लग जाएं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें, ये हमारे मजहब में नहीं है. रहबानियत हमारे मजहब में नहीं है. अल्लाह अपने बंदों के तभी करीब होता है जब आप उसके बंदों से करीब होते हैं. सो ये कैसे मुमकिन है कि आप सब कुछ छोड़ के और सिर्फ अल्लाह की याद करें और बाकी उसके बंदों के आप जो हकूक है वो पूरे ही ना करें? दिस इज इम्पॉसिबल. तो ये तो बेस्ट टाइम है कि इसमें आपको इतना मौका मिलता है, ये जो भी आप चैरिटी करते हैं या कोई भी सोशल वर्क करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपको आपके ऐसे लोगों के साथ करना है जिनसे आपको रिटर्न की तवक्को ना हो. ये जितना True. इम्पोर्टेंट इसका एक जो है, कहते हैं ना कि रूह है इस बात की, इस पूरे के पूरे महीने की, वो यही है कि आप अल्लाह से करीब होना चाहते हैं तो आप बेशक नमाज रोजा सब अपनी जगह, बट आपके जो हुकूक लिबाद है आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, और यही बिल्कुल। रास्ता है अल्लाह अच्छा तक पहुंचने अच्छा का. इमरान, 100 मिलियन मील्स का जो ये एक सिलसिला है, व्हाट डू यू फील कि देखो, हम लोग हर रोज देखते हैं कि चाहे रमजान हो चाहे रमजान नहीं भी हो, वी आई नो यू आर ऑल्सो वेरी एक्टिव इन अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, और मैं सरवत से भी बात कर रहा था, वो भी इतनी एक्टिव है, और भी मेरे जितने भी हमारे दोस्त हैं सब लोग, जब भी किसी को अप्रोच किसी ने किया कि यार हमारे लिए आप एक शार्ट आउट दे दें, हमारे लिए ये कर दें, एक्टिविटी कर दें, सब एक्टिव होते हैं, वे ऑलवेज देयर। डू यू फील दैट 100 मिलियन मील्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत से मुल्कों में हो रहा है, तो क्या ये सबको इंक्लूड और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा? बिल्कुल. एक और बात ऐसा, मैं आपकी बात को ही बल्कि मैं आगे एक्सटेंड करूंगा कि हमारा मजहब जब इंसानों से बेहतरी या इंसानों की भलाई की बात करता है तो वो
दैट इज बियॉन्ड एनी रिलीजन और नेशनैलिटी और एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री. आपको ये नहीं, बड़ा खूबसूरत आजकल एक एड चल रहा है, मुझे पता नहीं वो किसकी कैंपेन है कि